विभिन्न जिलों के आंगनवाड़ी श्रमिकों और सहायकों के स्कोर ने आज शनिवार को वेतन को बढ़ाने के लिए सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो वे लोग फिर से काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे। खुर्शीद अहमद गाने यूनियन जम्मू कश्मीरियों ने तब उन्होंने हमें 8 दिन का टाइम दिया है, बोला कि 8 दिन के अंदर आपका हम हाई कर देंगे, मगर बदकिस्मती पता नहीं कौन से गुनाह किए हैं कि वो अभी तक उस पर गौर ही नहीं कर रहे हैं। आज हम एक बार फिर से जमा हुए, इसलिए अगर हमारा पे जल्द अज जल्द नहीं बढ़ा देंगे तो फिर से हम काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे। 64,000 लोग काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे। हम भी देख लेंगे कि हमारे साथ कौन इंसाफ करेगा कौन नहीं करेगा। उन्होंने हमारे साथ इंसाफ जल्द अज जल्द नहीं किया तो हम सब काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे। तमाम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हम तो जाएंगे सेंटर, मगर काम कोई नहीं करेगा। अभी यहाँ से इलेक्शन कमीशन का फोन आया है मुझे, वो कह रहे हैं कि हमें ऊपर से पूरा दबाव है कि आप लोग काम करो। खुदा के लिए हमें ये बता दीजिए हम कौन कौन सा काम करेंगे। इलेक्शन का काम करेंगे हम, हेल्थ का काम करेंगे हम, आंगनवाड़ी वर्करों का काम करेंगे हम, सेंटर का काम करेंगे। आप बोलिए खुदा रहा 3,000 रुपए पे हम कौन कौन सा काम करेंगे? क्या हम इंसान नहीं है? ये देखिए ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, बच्चों को कपड़े नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें शेम से कहना पड़ता है कि ये हमारा डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों सोए हुए है, क्यों नहीं तनखा छोटे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को, और हमें बोलते हैं कि आपने जो हड़ताल की है इसलिए हम आप लोगों को तनखा नहीं देंगे। मुख्तसर सी बात यह है कि एक तो वो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का तनखा वागुजार करें जल्द अज जल्द, और अगर हमारा